Not again. सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। तो यार अभी उठा हूँ तो पता लगा जी मैच जो आज था फाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड का वो गुजर चुका है। तो कसम से इतना सैड हूँ, मैच गुजरा नहीं है, मतलब एक बार ही हो गई है। पाकिस्तान ने जो स्कोर किया आपको पता है बहुत ही बुरा किया, 138 स्कोर किया है। तो अजाने आने दो, फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है। A few moments later. अभी उठा था, मुँह हाथ धोया, ठीक है। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है। तो पाकिस्तान ने जो स्कोर किया वो 137 किया है। तो जब बंदा मैच देख रहा हो ना तो जब घर वाले काम भेज दे तो बहुत गुस्सा आता है। तो यार कसम से घर वाले काम ही नहीं छोड़े, मैंने मैच देखने हैं और घर वाले कसम से इतना तंग कर रहे हैं। मजा आया तो बट कोई नहीं यार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, ठीक है, क्योंकि आप मेरी गैंग में ज्वाइन होना चाहते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक करना मत भूलना। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा, आप सब ने दुआ करनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर। आपको बताता चलूँ कि मैं मैच कहाँ देख रहा हूँ। मैं मैच इधर ही देख रहा हूँ, साथ व्लॉग बना रहा हूँ, दूसरे एंड में मोबाइल पकड़ा हुआ है, उधर मैच देख रहा हूँ। क्योंकि टीवी में आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट इशू है, और म्यूज़िक आपको पता कॉपीराइट आ गया तो स्ट्राइक हो जाएगी। इस वजह से मैं देख नहीं रहा, इस वजह से ऑनलाइन ही देख रहा हूँ मोबाइल पर। तो आपको साथ साथ बताता चलूँगा, ठीक है। शदाब ने 3 बॉलें डॉट कर दी हैं, ठीक है, और चौथी बॉल भी डॉट कर दी है अभी तक। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, आपने बस दुआ करनी है। तो स्टे कनेक्टेड। और मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, अगर मैं सो गया था तो इन लोगों को चाहिए था ना, चलना चाहिए था, ये चले ही नहीं कोई भी बैट्समैन। आज 137 उन लोगों के लिए तो हलवा होगा, कसम से मुझे ऐसे लग रहा है। तो यार अब क्या करें यार, फिर कसम से गुस्सा आ रहा है पाकिस्तान प्लेयर पर। जब मैं उठूँ तो 137 और ऊपर वाले घर वालों से काम पे काम, मुझे आगे टेंशन में लगा यार पाकिस्तान हार ना जाए। तो अब बंदा क्या करे यार कसम से। और जो शहीन ने कमबैक किया कसम से, पहली बॉल पर उसको 3 रन हुए थे आई थिंक, उस टाइम उठ गया था। तो फर्स्ट बॉल पर उसको 3 रन हुए थे, तो जब उसने लास्ट बॉल पर विकेट ली थी उसकी यार एलेक्स की ऐसे का कोई नाम था, उसकी उसने विकेट ली है यार, कसम से खुश हूँ उधर मैं। मैंने कहा यार अब शायद जीत सकते, फिर रोफ ने आगे 2 विकेटें ली, मज़ा आ गया। अभी तक तो बस 3 विकेटें ही हैं, तो इंशाल्लाह आप दुआ करो कि जीत जाए, स्टे कनेक्टेड। तो यार अभी नीचे आया था यार, तो शदाब भाई ने बहुत ही अच्छा निकाल लिया, तो वसीम भाई ने उसकी कसर निकाल ली है, 2-3 चौके खा गए। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, साथ कनेक्ट रहना, ठीक है। वसीम भाई चौके खा रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं यार, बंदा सेव करे स्कोर यार, उधर चौके खा रहा। तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो, 4 आउट हो गए हैं जी, 1 और आउट हो चुका है। तो यार अभी जो मैच की सूरत हाल है ना, वो नसीम भाई ने इतना अच्छा ओवर निकाला, मैं आपको बता नहीं सकता। 36 बॉल पर 49 स्कोर रह गए, तो दुआ करो यार हम जीत सकते हैं, अभी भी पाकिस्तान जीत सकता है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो आपने स्टे कनेक्टेड रहना, बस दुआ करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं फिर। आवर लेटर। और आज पाकिस्तान हार चुका है यार, सारा कसूर जो है बैटिंग वालों का है, बॉलिंग बहुत ही अच्छी हर किसी ने की है। क्या कर सकते हैं यार, आपका समझो पाकिस्तान फाइनली हार चुका है, क्या करें। तो यार मेरा इस टाइम जो दिल का रंग है, दिल का रंग मैं इधर से कूद जाऊँ। क्यों पाकिस्तान हारा है यार, क्यों? इतनी आस लगाई थी मैंने यार कि पाकिस्तान जीतेगा। तो मेरी तो लड़के के साथ शर्त भी लगी थी, अगर पाकिस्तान जीता तो वो उसने शर्त लगाई थी कि इंग्लैंड जीतेगा, मैंने कहा था पाकिस्तान जीतेगा। तो फाइनली मुझे उसको ट्रीट देने पड़ेगी क्योंकि मैंने उससे शर्त लगाई हुई थी। तो यार अब क्या कर सकते हैं, खुद बताओ, ऐसे नहीं तो होना चाहिए यार, दिल तोड़ के रख दिए उन्होंने पाकिस्तान वालों ने। बट कोई नहीं, फाइनल तक तो गए ना यार, सब टीमों को हरा के फाइनल तक तो गए ना, इतनी बहुत खुशी की बात है। तो आप फिर चलते हैं फिर नीचे। तो यार वैसे एक बात है, ऑस्ट्रेलिया में इतनी क्राउड आई थी, आपकी सोच होगी, आपने देखा ही होगा, मैंने अब टीवी में देखा नीचे जाके, इतनी क्राउड आई थी, पाकिस्तानी हर तरफ नज़र आ रहा था। लेकिन यार मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान ने हार जाना है, जब वो इफ्तिकार को इसने ओवर दिया ना, 2 बॉल पे खा गया वो, 1 चौका और 1 छक्का। शहीन अफरीदी साहब उन्हें इंजर्ड हो गए यार, अगर वो नौ होते तो आज शायद हम जीत जाते। तो लेकिन बट हारिस रौफ भाई ने बहुत ही अच्छे कसम से ओवर किए हैं, मज़ा आ गया है। अब यार क्या कर सकते हैं यार, आप खुद बताओ, कैसे दिल को तसल्ली दें।
और चले अब चलते हैं जी नीचे, क्योंकि मैच तो ख़त्म हो गया, नीचे जाने बनता है। तो चले फिर चलते हैं, दरवाज़ा बंद कर दें। तो यार अभी मैं पानी पीने लगूँ, मुझे पता नहीं क्या घबराहट सी हो रही है कसम से। पानी पीते हैं। तो यार अभी अभी एहसन भाई आए हैं, आज हम बनाने गए थे व्लॉग, तो हमारी बैटरी कम थी, इस बंदे की वजह से आज मैं लेट हुआ। कसम से 45% थी, जब गर्मी मैंने यूज़ करी गया करी 45% रह गई। उधर गए हैं तो पिक वगैरह ली है, इस भाई की भी ली थी, तो समझ ही नहीं आई कैसे बैटरी ख़त्म हो गई है। टिकटॉक बनाया एक दो और व्लॉग हमसे निकले ही नहीं। तो एहसन भाई बताओ यार क्या सीन है, कल जाना कहीं? कल कहीं जाना है, कल भाई ने शॉप पे जाना है। तो हमारे साथ ऐसे ही करते हैं जी, ये हमें टाइम ही नहीं देते भाई, इतना बिजी है यार बंदा क्या करे। असल भाई आ तो गए हैं यार, तो मोबाइल के साथ लगे, हमें टाइम नहीं दे रहे। मैंने कहा यार अब कुछ खाने चलते हैं, तो जा ही नहीं रहे, पता नहीं क्या सीन है भाई। कॉपीराइट है ना, बंद करो, मेरी वीडियो देख रहा टिकटॉक से निकाल के, मैं इतना फेमस हूँ, मेरी टिकटॉक देख रहा, कहता मेरा भी ऐसे का शूट करो। तो असल भाई नया फ़ोन ले रहे हैं, फ़ोन कौन सा ले रहे हो? एक्समेस ले रहे हैं जी। तो चले यार मैं फिर जा रहा हूँ, खा के कुछ फिर आता हूँ, फिर मिलता हूँ, ठीक है, स्टे कनेक्टेड। यार अभी अभी वीडियो बनाने गया हुआ था लड़के के साथ, तो अभी घर आया हूँ, तो यार बहुत ज़्यादा थक गया था, आपको बता नहीं था सकता। 45% बैटरी थी उसमें, हमने वीडियो शूट की, फ़ोटो वगैरह शूट की, तो व्लॉग नहीं बना सकता था, तो इधर ही व्लॉग एंड कर रहा हूँ, जितना भी है देख लेना, ठीक है। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, स्टे कनेक्टेड।